नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। खबर मौसम से जुड़ी हुई लेकर आए हैं, जहां राजधानी पटना में झमाझम बारिश ने लोगों के दिलों को खुश कर दिया है। इतने दिनों से उमस भरी गर्मी और तपिश से झुलस रहे लोगों को अब राहत मिली है। मौसम सुहावना होता जा रहा है, जहां बीते कई दिनों से उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों में बारिश लगातार जारी थी, तो वहीं अब दक्षिण बिहार में भी मॉनसून की सक्रियता नजर आने लगी है। क्या रहेगा मौसम का हाल आने वाले कुछ दिनों तक, खासकर दक्षिण बिहार को लेकर क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग ने साझा की है? आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, या फिर आपके जिले का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? राजधानी पटना की क्या स्थिति बनी रहेगी, जानते हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले सहित उत्तर बिहार में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 14 से 22 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट और उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बिहार में पूर्णिया के रास्ते मॉनसून ने प्रवेश किया था। इसके बाद से मॉनसून पूर्णिया और किशनगंज में स्थिर था, लेकिन शनिवार को इसकी सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई गई थी। शुक्रवार की दोपहर से ही मौसम में हल्का बदलाव देखने के बाद किसानों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि ये बारिश फसल के लिए काफी लाभदायक है। उत्तर बिहार की बात करें तो शुक्रवार को झमाझम बारिश का दिन रहा, शनिवार को भी बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में कुछ जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी हुई। वहीं दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की वर्षा हुई, जिससे गर्मी से बेचैन लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी अच्छी मॉनसून की वर्षा की संभावना है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये सब कुछ बिहार में मॉनसून के सक्रिय होने के कारण हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत बिहार के 33 जिलों में मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। वैसे शुक्रवार को मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना में जमकर बरसात हुई, उसके बाद दोनों जिलों का पारा नीचे आ गया। पिछले 4 दिनों से लोग गर्मी और उमस की वजह से परेशान थे, लेकिन अचानक हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। मौसम ने जहां लोगों को बेहाल कर रखा था, तो वहीं अब मौसम लोगों में खुशियां बांटता फिर रहा है। उत्तर बिहार में झमाझम बारिश से नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं दक्षिण बिहार के लोग जो मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हुआ। राजधानी पटना में बीते शनिवार की शाम भी बारिश दर्ज की गई और आंशिक बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए मौसम की अपडेट में इतना ही। नमस्कार।